एक समय की बात है, किसी गांव में दीनू नाम का आदमी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। दीनू गांव के सेठ किशोरीलाल के पास नौकरी करता था। किशोरीलाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थी, जिनमें से एक बकरी गर्भवती थी। बकरी ने जिन बच्चों को जन्म दिया उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा हुआ, वो अक्सर बीमार रहता था। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, अरे दीनू, एक काम कर, इस बकरी के बच्चे को तू कहीं दूर जंगल में छोड़ा, हर समय इसकी वजह से और भी बकरियां बीमार होने लगी हैं। हमें बीमार को नहीं रखना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह ही इसे जंगल छोड़ाऊंगा। अगले दिन दीनू बकरी के छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही बकरी के बच्चे को छोड़ने लगता है, बच्चा मैं करने लगता है, मानो वो दीनू से कुछ कह रहा हो। कितना मासूम और प्यारा बच्चा है, अगर मैं इसको यहाँ जंगल में छोड़ गया तो जंगली जानवर इसको मार कर खा जाएंगे। पता नहीं, मन नहीं कर रहा इसे कि इसे यहाँ छोड़ कर जाऊँ। दीनू बकरी के बच्चे को उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। बकरी का बच्चा भी दीनू को ऐसे लिपट जाता है मानो उसे कितना प्यार मिल रहा हो। दीनू उसे अपने साथ घर ले आता है। सुनो जी, हम लोग तो वैसे ही इतने गरीब हैं, दो वक्त की रूखी सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं, हम इसका इलाज और देखभाल कैसे करेंगे? शांति, तुम नहीं जानती, जब मैं इसे जंगल में छोड़ रहा था, पता नहीं मेरा मन दर्द से भर आया और इसे जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब ले ही आया हूँ तो इसको पालने का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम और मैं मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच में ऐसा ही हुआ। दीनू और उसकी पत्नी शांति मिलकर बकरी के उस बच्चे की खूब देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनके देखभाल की वजह से कुछ ही महीनों में वो बकरी बिल्कुल ठीक हो गई और बड़ी हो गई। बकरी ने अब दूध देना भी शुरू कर दिया था। सुनो, देखो हमारी बकरी कितना दूध देने लगी है, क्यों ना हम बकरी का दूध बेचना शुरू करें? इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम्हें सेठ की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो शांति, इस बकरी को बचाकर उस दिन शायद मैंने ठीक ही किया, आज हमारे कितने काम आ रही है और हमें इससे कितना प्यार भी हो गया है, ये भी हमें बहुत प्यार करती है। कल से हम इसका दूध बेचकर ही गुजारा करेंगे। मुझे भी अब उस किशोरी लाल की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, वो बहुत निर्दयी स्वभाव का है। अगले दिन से दीनू बकरी का दूध बेचने लगा। दीनू की बकरी बहुत ही अच्छा दूध देती थी, जो कि गांव वालों को बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे दीनू का दूध बेचने का काम अच्छा चलने लगा। जब ये बात किशोरीलाल को पता चली तो वो दीनू के पास अपनी बकरी वापस लेने के लिए चला गया। क्यों बे दीनू, मेरी बकरी का दूध बेचकर तू बहुत पैसे वाला बन गया है, तूने मेरे घर नौकरी भी करनी छोड़ दी है। चुपचाप मेरी बकरी वापस कर, वो बकरी मेरी है। किशोरीलाल जी, आपने तो इसे जंगल में छोड़कर आने के लिए दिया था ना, आप तो कब का इसे भुला चुके थे। वो तो मैं था जो मैं इस बेचारी को अपने घर ले आया, आज ये मेरे कारण जिंदा है, मैंने इसकी देखभाल की है। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पंचायत में ये बात रखूंगा। किशोरीलाल पंचायत में अपनी बकरी वापस लेने की बात कहता है, पर पंचायत का मुखिया दीनू की तरफ था। देख किशोरीलाल, दीनू ठीक कह रहा है, तूने तो इसे बीमार और मरियल समझकर दीनू को इसे जंगल में छुड़ाने के लिए बोला था ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अभी वो तो दीनू ने ही इसकी देखभाल करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अब इस बकरी पर दीनू का हक है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, इस बकरी को तो मैं हथिया कर ही रहूंगा। किशोरीलाल गुस्से में वहां से चला जाता है और उसी रात लड़कों को कहकर बकरी को उठवा लेता है। चुपचाप इस बकरी को यहाँ बांध दो, ये यहीं रहेगी, मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से लेकर जाता है। किशोरीलाल बकरी को अपने पास ही रख लेता है। सुनो जी, चलो हम सेठ के घर जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं, वो कैसे हमारी बकरी को चुरा कर ले गया, उसकी इतनी हिम्मत। शांति, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ हमारी बकरी हमारे बिना नहीं रह सकती, वो हमारे पास लौटकर जरूर आएगी। किशोरी लाल के नौकर परेशान हो गए, बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। धीरे धीरे बकरी फिर से कमजोर होने लगी और बीमार हो गई। अरे किस बीमार को उठा कर ले आए, इसे तो वापस उसी दीनू के पास छोड़ाओ। ये बीमार और कमजोर बकरी अगर मेरे पास रहेगी तो बाकी के जानवर भी बीमार हो जाएंगे, इसके पास से कितनी बदबू भी आ रही है। एक काम करो, इसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। किशोरीलाल के आदमी बकरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं। बकरी दीनू के घर का रास्ता जानती थी, वो तो बहुत खुश थी कि वो अपने मालिक के पास वापस जा रही है। दीनू और शांति दोनों आंगन में उदास बैठे थे, तभी उन्हें अपनी बकरी की आवाज आती है और वो खुशी से दौड़ कर देखते हैं, उनके सामने उनकी बकरी खड़ी थी। सुनो जी,
हमारी बकरी देखो वापस आ गई है। हे भगवान, किशोरीलाल ने इसकी क्या हालत कर दी, कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था किशोरीलाल इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। चिंता मत कर शांति, हमारी बकरी अपने घर आ गई है, अब इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता, अब ये हमारे पास ही रहेगी। मैं तो जानता था किशोरीलाल हमारी बकरी को अपने पास नहीं रख सकता, लगता है ये बहुत भूखी है। जाओ तुम इसका खाना ले आओ, न जाने इसने कब से नहीं खाया। अपने घर वापस आकर बकरी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कहीं न कहीं अपनों से बिछड़ जाने के कारण वो फिर से कमजोर हो गई थी, पर अपनों से मिलने के बाद फिर ठीक हो गई। उस दिन से वो बकरी दीनू और शांति के पास ही रहने लगी। अपनी बकरी को पाकर दीनू और शांति बहुत खुश थे। सेठ किशोरीलाल भी समझ गया था कि वो बकरी उसके पास नहीं रह सकती, वो सिर्फ दीनू और शांति के पास ही खुश रहेगी। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलो बहुत बढ़िया हुआ, कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है। मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया। पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ, पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी, उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है, मुझसे ये घर के काम नहीं होते। हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माजी माजी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो पूनम, यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है, वहाँ पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहाँ पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे। तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है, सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा, वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूँ। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं, शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना,
सारी देखभाल तो मैं करती हूँ और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी, मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है, मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा, वो भी मेरी पारों का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारों के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारों को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो, कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है, कहीं ऐसा ना हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गाँव वाले भी क्या समझाते, पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ, गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, ना उसे नहलाती धुलाती थी और ना ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकौड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है, मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है, वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी। बेस्ट बॉडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।